देखो अभी अभी लास्ट में अगर वो इसको जो गौर मोहब्बत से का देखे मांगे ना, है जो को मैं क्यों हाँ सही बात है, अभी इसको अगर गौर से देखे ना, देखो एक तो आंख घुमा रही है, आंख है ना हल्की सी घुमा रही है, बाद में ये ज़्यादा घुमाने लगेगी। अब इसको दूर से अगर देखें इसकी कान की पोजीशन, ये देखिए चलना, देखिए पूरा शरीर एक साथ अकड़ अकड़ के चल रही है। आगे चलाओ थोड़ा सा, आगे चलाओ, ये देखो थोड़ा सा आगे चलाओ और यार आगे चलाओ। तनी जे यार बैठी जगह नहीं हूँ। हाँ बैठ नहीं पा रही है, देखो पैर जो है बिल्कुल हाँ अकड़ गए हैं, इसके पैर अकड़ गए हैं। अब यहाँ पर है ना ये जो सारे मसल्स हैं इसके, सारे मसल्स, वो सारे मसल्स अकड़ गए हैं कंप्लीट, है ना। ये गर्दन जब घुमाएगी तो घुमा नहीं पाएगी। इसके अलावा यहाँ देखो इसके कान देखो, जड़ से खड़े हैं कि नहीं खड़े, है ना, ये टिटनेस के सिम्टम है श्योर, जड़ से खड़े हैं ना ये, यहाँ से जैसे लग रहा है जड़ से खड़े हैं। अब देखिए पूंछ धीरे धीरे यहाँ से ऊपर हो रही है ना ये, यहाँ से अब एक कंडीशन आएगी जब ये बिल्कुल एकदम से तना लेगी, इसको ऊपर कर लेगी, है ना, तो पूंछ में सिम्टम आएगा, दूसरा कान में बैठी सिम्टम में आएगा, जर तीसरा आंख में आ गया, आंख को घुमाना, इसकी जो थर्ड आईलिड है ना वो बाद में यहाँ आने लगेगी, मतलब एक कवर सा निकलेगा इसमें, ये कवर सा अक्सर निकलेगा जब ये ऊपर करेगी इसको, ठीक है। ये देखो ऊपर से, ऊपर जो कवर सा निकल रहा दिखाई दे रहा ना, ये बाद में ज्यादा आएगा, इसकी कवरिंग है ना, पूरे ये पूरे अक्सर घुमाएगी तो पूरे पे आ जाएगी, यूँ आएगी वापिस चली जाएगी, यूँ आएगी वापिस चली जाएगी। उसके बाद है इसका जबड़ा, सबसे बड़ा जो लक्षण आता है ना वो जबड़े का आता है, लॉक जा जिसे हम बोलते हैं। टिटनस टॉक्साइड एक बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन इतनी खतरनाक है, क्लाइस्ट्रिडियम टिटनाई से फैलती है ये बैक्टीरिया से। तो एक काम करो आप सींग ही पकड़े रहना, मुंह के हाथ मत लगाना, ठीक है। अब देखो मुंह में से पानी और झाग की सी शिकायत हो रही है, हो रही है ना, मुंह में से पानी, और ये देखो आपने ऊपर किया तो थर्ड आईलिड का पता चल रहा है आँख का, है ना। अब कोई लकड़ी ऐसी ला करके या कैसे भी करके इसको है ना जबड़े को खोल करके देखो, देखो खुल रहा है क्या। इसको खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, 10 दिन से खाना नहीं खाया, तो ये सारे लक्षण जो है ना इसी के 10 दिन से धीरे धीरे करके हुई है। कोई बड़ी लकड़ी ऐसी लेके आओ, वो लेके आ जाओ साहब, वो रही बड़ी लेके आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, बस अंदर चोट नहीं लगनी चाहिए और हम भी उससे सुरक्षित रहें। देखिए हल्का सा इसमें डाल करके और देख लेंगे, अरे अंगूठा में डाल मेरे भाई, हाथ तो लगाना ही नहीं है यार, टीटी का इंजेक्शन लगवाया क्या तूने, हैं तो आज लगवा लेना, दोनों हाथों से पकड़, दोनों हाथों से पकड़। मणि भाई जी सर। आप एक मिनट डालना इसमें, बिल्कुल धीरे धीरे करके। अब देखो अब ये जबड़ा जो है सीधा करो, जबड़ा खुल नहीं रहा है इसका, नहीं खुल रहा सर। ये प्रयास कर रही है जी सर। चबाने की लेकिन जबड़ा नहीं खुल रहा नहीं खुल रहा सर। है। ये जबरदस्ती भी छूट नहीं कर रहा। हाँ नहीं खुलेगा, जबड़ा खोल नहीं, देखो कैसे बोलिए, मतलब बोलते समय भी ऐसा नहीं कि पूरा मुंह खोल करके बोल ले, ये है सिम्टम, ये देखिए क्लियरली ये सिम्टम्स आ रहे हैं इसके। आंखें तेज हो जाएगी, मेनली पूरी जो मसल्स है पूरों में अकड़न आ जाएगा, छोड़ो एक बार पैरों में तो अकड़न है ही, पैरों में तो अकड़न है ही, पूरे शरीर में अकड़न आ जाएगा, शरीर की हर कोशिका, जैसे आपको भी लग रहा है आफ रहा है इसको, देखो कैसे चल रही है, देखो देखो कैसे चल रही है, क्लियर हमें लग रहा है कि इसको आफ रहा है, लेकिन आफ रहे इसको कोई शिकायत नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन ये होगा क्योंकि शरीर की हर कोशिकाएं एकदम से टाइट रही, हर कोशिकाएं, सांस की गति भी बढ़ गई। हम्म, हाँ सांस की गति बढ़ना, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये लकड़ी के घोड़े की तरह हो जाएगी, अभी जैसे ये इस कंडीशन में है ना, धीरे धीरे है, हाँ जुगलर वेन भी उभरी हुई है कम्प्लीटली। अब ये गर्दन को यहाँ से इधर घुमा नहीं पाएगी, अगर इसको गर्दन घुमाना होगा ना तो अपने पूरे शरीर को घुमाएगी, थोड़ा सा आगे देखो एकदम गर्दन घुमाओ इसकी, ये देखो गर्दन नहीं घुमा पाएगी, पूरे शरीर सही थी घूमेगी, यानी धीरे धीरे ये लकड़ी की तरह हो रही है, लकड़ी के घोड़े की तरह हो जाती है ये पूरी जो है। ये बीमारी है टिटनस, मतलब इसमें टिटनस के श्योर सारे के सारे टिटनस के सिम्टम आ रहे हैं, है ना, तो इसको मरना ही पड़ेगा। 79
मुश्किल है, अब इसका ठीक होना मुश्किल है। 75% इस वजह कर दिया है। हाँ, इसको काफ़ी हो गई है, 10 दिन से वैसे ये बीमार भी है, लेकिन धीरे धीरे आए लक्षण, 10 दिन नहीं निकालती, मतलब पहले ही लक्षण आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो लक्षण आ रहे हैं ना, ये धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हाँ, किसी ने मुंह में हाथ डाला है क्या इसके? किसी ने कोई दवा देने के लिए या कैसे भी मुंह में तो हाथ नहीं डाला? हाँ, ये देखो ये ऐसे चल रही है। खैर, वो तो देना ही पड़ता है दवा जो आपको बताई गई है वो तो। बिल्कुल सही है, सही है। ब्याह हुई कब की है ये? बारह महीने। और दूध वगैरह दे रही थी इतने दिन? 1 किलो दूध हो गया, कोई बनो ले आए, मांगते थे ये तो समस्या होगी। तो अब जिन्होंने भी देखो इसके मुंह में हाथ डाला है ना, दूध तो आप चाय बनाने के काम में लेते हो या किस काम में लेते हो? मैं तो आज ही काटियो काट रहा हूं, नहीं है कोई निकाल। हां, नहीं नहीं सही किया है, नहीं निकाला, सही किया। आज काटियो जो थोड़ा पाती हो, गरम तो किया था ना उसको, उफाना था। अब इसका दूध वगैरह काम में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। दूध काम में लेना नहीं है, मुंह में जिसने भी हाथ डाला है उन सबको इंजेक्शन लगाना है टीके का। और भाई सुनील भाई, आप भी लगवा लेना, है ना, जाके लगवा लेना, हमने सबने लगा रखा है। शुरुआत में जब भी लगवाते हो, अभी जैसे आज एक टीका लगवाया ना, तो 1 महीने बाद एक और लगवाना, तो 2 हो गई, वो एक बूस्टर डोज हो गई। उसके बाद आप जब भी हर 6 महीने से एक एक लगवाते रहो। हम लगवाते हैं बाकी के सारे, तो आपको भी लगवाना है। बड़े भाई आपने लगाया? आपने नहीं लगवाया तो लगवाना। आपने अर्जुन भाई? आने से पहले लगा रखा है ना, तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा केस कभी भी आ सकता है। और आपको मान लीजिए शुरुआत में सिम्टम्स का पता ना हो, उस समय तो आप हाथ डाल दोगे, तो अभी भी डाल रहा था, मैंने रोका देखो, है ना। तो टिटनेस अगर एक बार इंसान को भी हो गया ना, तो भी मामला ख़राब है। हाँ, इसलिए अब देखो कैसे चल रही है ये देखो, अभी तो गर्दन को घुमा रही है, ये पूरी लकड़ी की तरह नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके और ये पूरी लकड़ी की तरह हो जाएगी एकदम से, लकड़ी का जो घोड़ा होता है ना उसकी तरह। और इसको है ना बांध करके अलग रखो भाई जी, इसकी लार अगर है ना हमारे लगती है तो भी नुकसान है, और किसी दूसरे पशु के लगेगी ना तो भी नुकसान है। और कल को मान लीजिए ये नहीं बच्चे मर जाए ना, तो इसको आप जो भी आपके यहाँ आते हैं ना डालने के लिए, उन्हें बोलना कि गढ़वाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको खुला डाल दोगे तो ये बीमारी और ज़्यादा स्प्रेड होगी।